और आज अखिलेश यादव के साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नजर आए। अब्दुल्ला ने कहा कि जेल में उनके साथ आम कैदियों से भी बदतर सुलूक किया गया, वो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आप ही मानते हैं? नहीं, पर जुल्म हुआ ये मानते हैं अब्दुल्ला साहब? किसके साथ अन्याय नहीं हुआ? किसके साथ अन्याय नहीं हुआ? किसानों के साथ हुआ, बेरोजगारों के साथ हुआ, लोगों के साथ हुआ, ठीक है। आप 1.5 साल बाद जेल से, दो साल बाद जेल में क्या झेलना पड़ा आपको अब्दुल्ला साहब? जेल में ऐसा क्या झेलना पड़ा आपको जो आप कह रहे हैं? शायद आम लोग या आम बंदी जो होंगे उनके साथ अथॉरिटीज का रवैया हमसे बेहतर होगा, जो हमारे साथ, जो आपके साथ और पिताजी के साथ, आपके आजम खान के साथ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो सोचिए उनके साथ तो इससे ही बुरा हुआ। तो आप ये मुद्दा उठाएंगे जहां आप जाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे आप? जो जुल्म हुआ है क्यों नहीं, क्यों हटेंगे पीछे, ये उठाएंगे आप? अब्दुल्ला और चुनाव कहां से लड़ेंगे आप? चुनाव कहां से लड़ेंगे, आखिरी सवाल, चुनाव कहां से? ये पार्टी बताएगी, पार्टी बताएगी, पर आप लड़ेंगे, तैयार हैं आप लड़ने के लिए? मैं पार्टी जो कहेगी। उन्होंने कहा है जो किसी के साथ नहीं हुआ वो हमारे साथ हुआ, उन्होंने बात की है, अब यहाँ से निकल रहे हैं और कहा है जहाँ से पार्टी कहेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।